हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त काजो। हॉलीवुड की जिस फिल्म का इंतजार लोग 13 साल से कर रहे थे, वो फिल्म यानी कि अवतार 2 इस समय सिनेमाघरों में धमाकेदार कमाल दिखा रही है। बेहतरीन VFX और लाजवाब टेक्नोलॉजी फिक्शन के आधार पर अवतार द वे ऑफ वाटर हर किसी को प्रभावित कर रही है। आलम यह है कि हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरून की इस फिल्म ने दुनिया भर में पहले वीकेंड पर 3,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। जेम्स कैमरून की अवतार द वे ऑफ वाटर का डंका इस समय पूरी दुनिया में बज रहा है। हर कोई अवतार 2 की जमकर तारीफें कर रहा है। साफ तौर पर कहा जाए तो अवतार 2 मौजूदा में ग्लोबली लोगों की पहली पसंद बन गई है। गौर किया जाए अवतार द वे ऑफ वाटर के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तरफ तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इस फिल्म ने पूरी दुनिया में 3,500 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर दिया है, जिसकी बदौलत फर्स्ट वीकेंड पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में अवतार 2 ने सुपरहिट हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम को पीछे छोड़ दिया। साथ ही मार्वल यूनिवर्स की एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर को भी अवतार ने करारी शिकस्त दे दी है। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि अवतार 2 इस साल की सबसे सफल हॉलीवुड फिल्म बनने की कगार पर है। वहीं अवतार द वे ऑफ वाटर ने सिर्फ विदेश ही नहीं इंडिया में भी अपनी शानदार छाप छोड़ते हुए इंडिया में तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषा में अवतार 2 सिनेमाघरों में लगातार धूम मचा रही है। बिग बॉस 13 से मशहूर हुई शहनाज गिल अब ग्लैमर वर्ल्ड का एक जाना माना नाम बन चुकी हैं। फैशन की दुनिया में भी उनका दबदबा देखने को मिल रहा है। हाल ही में एक्ट्रेस ग्लैमरस अंदाज में रैंप वॉक करती नजर आई। हाल ही में उन्होंने इंडिया डिजाइनर शो में रैंप वॉक किया। इस दौरान उन्होंने अपने पंजाबी डांस से महफिल लूट ली। हाल ही में शहनाज गिल फैशन डिजाइनर केन फोर्स के लिए शो स्टॉपर बनी। उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रैंप वॉक किया। उन्हें देख मौजूदा लोग उनका नाम चिल्लाने लगे और एक्ट्रेस को चीयर अप करने लगे। इस दौरान एक्ट्रेस ने पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी। इसमें वो बेहद खूबसूरत, प्यारी और ग्लैमरस लग रही थी। सॉफ्ट कर्ली हेयर और पिंकिश मेकअप उनके ग्लो को और चार चांद लगा रहा था। एक्ट्रेस ने इसका वीडियो शेयर करते हुए सभी को थैंक्स भी बोला है। अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच फीफा विश्व कप 2022 का फिनाले 18 दिसंबर को हुआ और टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे रोमांचक फुटबॉल फाइनल में से एक बन गया। विश्व कप फाइनल का एक और अट्रैक्शन स्टार गोल्ड ट्रॉफी था, जिसे लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना ने जीता। कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में एक और हिस्टोरिकल बात ये रही कि बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल से पहले शानदार ट्रॉफी को लॉन्च किया है। इसी के साथ इंडिया को गर्व कराते हुए पठान एक्ट्रेस फीफा के इतिहास में ऐसा करने वाली पहली भारतीय बन गई है। भारत की सबसे बड़ी ग्लोबल एम्बेसडर में से एक दीपिका पादुकोण ने फीफा के दिग्गज और पूर्व स्पेनिश फुटबॉलर एकर कैलेसिस फर्नांडिस के साथ लुइस विटन ट्रंक से ट्रॉफी को रिवील किया था। डीएनए कुछ खबरों की माने तो पठान एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 ट्रॉफी को रिवील करने के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि वो इस साल मई में लग्जरी क्लोथिंग और एक्सेसरीज ब्रांड लुई वुइटन की ग्लोबल एम्बेसडर है। लुई वुइटन 2010 से फीफा वर्ल्ड कप का पार्टनर रहा है। पिछले 10 दशकों से फुटबॉल विश्व कप के स्पोर्ट के कारण इसकी ग्लोबल एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को 18 दिसंबर को अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस फाइनल से पहले ट्रॉफी को लॉन्च करने के लिए चुना गया। वाकई ये गर्व की बात है। रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म सर्कस 23 दिसंबर को सिनेमाघरों में आने वाली है। इस फिल्म का पहला सॉन्ग करंट लगा रिलीज हो चुका है, जिसमें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण अपने किलर डांस मूव्स दिखाते नजर आ रहे हैं। इस बीच ये बताया जा रहा है कि करंट लगा सॉन्ग अल्लू अर्जुन के सॉन्ग ब्लॉकबस्टर से कॉपी किया हुआ है। अल्लू अर्जुन के गाने से चुराई गई है करंट लगा की म्यूजिक। करंट लगा सॉन्ग रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इस गाने का जमकर मजाक उड़ाया गया। कारण है गाने का बैकग्राउंड म्यूजिक पूरी तरह से अल्लू अर्जुन के ब्लॉकबस्टर से मिलता जुलता है। ओरिजिनल म्यूजिक अल्लू की फिल्म सराय नोडू के ब्लॉकबस्टर गाने की ही है। ये चोरी पकड़े जाने के बाद से ही सोशल मीडिया यूजर्स मेकर्स और स्टारकास्ट को बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, पहले सिर्फ फिल्में ही चोरी होती थी, अब बॉलीवुड वाले गाने भी चुराने लगे। वहीं दूसरे ने लिखा, बॉलीवुड वाले कभी साउथ की कॉपी करने से पीछे नहीं हटते। रणवीर सिंह की फिल्म सर्कस 23 दिसंबर 2022 को रिलीज होगी। डायरेक्टर रोहित शेट्टी की फिल्म शेक्सपियर के पॉपुलर नाटक द कॉमेडी ऑफ एरर्स से प्रेरित है।
इस फिल्म में रणवीर सिंह, जाकिर फर्नांडिस, पूजा हेगड़े अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं। वहीं अजय देवगन फिल्म में कैमियो में नजर आने वाले हैं। तो ऐसी मसालेदार, मजेदार और चटपटी खबरों के लिए आप बने रहिए बॉलीवुड गपशप के साथ।